राम राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम रिव्यू करने आए हैं किया कार्नस। जैसा कि आप मेरी बैक साइड में देख रहे हैं, इसके अलावा मैं बता दूं ये इसका प्रेस्टीज वेरिएंट है जो कि डीजल के अंदर आता है। इसके अलावा मैं बात करूं ये वेरिएंट ही क्यों, क्योंकि ये इसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है। प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस, प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस के अंदर फ़र्क ये है कि जो प्रेस्टीज प्लस है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल ORVM आ जाते हैं, आपके अलॉय व्हील आ जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं उसके अंदर आपके DRLs आ जाते हैं, और ये थोड़े बहुत फ़र्क है जो प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस के अंदर देखने को मिलते हैं। और दोनों के रेट में अगर देखा जाए तो करीब करीब लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। बट इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है वो इसका प्रेस्टीज वेरिएंट। और आज के टाइम पे अगर आपको अल्टिगा के पैसे में पूरा कंफर्ट चाहिए या फिर आपको एल्कजार ना लेके कुछ और चाहिए जो एल्कजार से भी बेटर है, तो आप किया कार्नस की तरफ देख सकते हैं। ये काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसके अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप इसको अगर स्पेस में कंपेयर करेंगे तो आप इनोवा क्रिस्टा से कर सकते हैं, नो डाउट। मैं इसका ओपन चैलेंज देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। तो अब हम किया कार्नस की फ्रंट ग्रिल देखेंगे। तो फ्रंट ग्रिल में आप देखेंगे यहाँ पर आपको किसी भी तरह की ओपन ग्रिल देखने को नहीं मिलेगी। पूरी ग्रिल जो आती है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आती है। यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग ऐड की गई है जो आपकी हेडलैम्प तक कनेक्ट होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ, इसमें DRL ना देखे, DRL डमी दिया गया है। इसके अलावा अपग्रेड कोई करवाना चाहता है तो वो हो सकते हैं जहाँ तक है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। इससे अपर वेरिएंट के अंदर इसमें क्राउन ज्वेल हेडलैम्प्स और क्या कहते हैं इसके अंदर DRLs यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ मैं बम्पर की बात करूँ तो एक खास बात है, इस गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो फुल्ली लोडेड हैं इसके वो मिड वेरिएंट के अंदर भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रंट के अंदर में। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नर्लिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा आपको बम्पर पर। इसके अलावा हम बात करें ऑल ओवर जो लुक की मैं बात करूं तो काफ़ी अलग लुक आ रही है यहाँ पर हटके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी लुक क्यों अलग है कि यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल आप देखेंगे, ब्लॉक रेडिएटर ग्रिल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी जाती है, जैसा कि कोई इंटीरियर के अंदर कोई पार्ट दे रखा हो, इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर किया का नया लोगो आपको देखने को मिल जाता है जो 6-7 महीने पहले अपडेट हुआ था। और यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको वाइपर देखने को मिल जाते हैं, वॉशर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगी सिल्वर पैटर्न के अंदर में। ये यूजेबल रूफ रेल नहीं है। और जब हम साइड प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला तो इसमें R16 का अलॉय व्हील नहीं आता है, इसके अंदर रिम व्हील आता है 16 inches का। इसके अलावा मैं बात करूँ ये ऑल ओवर कंटिन्यूस किया जाता है इसके टॉप वेरिएंट तक, उसमें बस अलॉय दिया जाता है रिम वेरिएंट नहीं, उसमें टायर साइज R16 का ही रहता है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मैं बता देता हूँ 200 mm है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ORVM में ही आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। बट जो ये ORVM है ये इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल नहीं है, मैनुअली फोल्डेबल है, अंदर इसके बटन दिए गए हैं। और जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये इसका एसेसरीज पार्ट है। और जो आप गाड़ी की लेंथ देख रहे होंगे वो ऑलमोस्ट क्रिस्टा के बराबर है, इनोवा क्रिस्टा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, जैसे मैंने आपको बता दिया था, रूफ रेल्स आते हैं, ठीक है। और गाड़ी की जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑल ओवर बॉडी पे क्लाइडिंग दी गई है फ्रंट बम्पर टू रियर बम्पर। और यहाँ पर कुछ नर्लिंग पैटर्न जो इसका हर जगह ऐड किया गया है, इस जगह पर भी आप देखेंगे क्लाइडिंग पे। और यहाँ पर डोर पे किसी भी तरह की रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिए जाते हैं, नॉर्मली की से ऑपरेट करने वाले डोर यहाँ पर दिए जाते हैं। और अब हम चलेंगे इसके रियर साइड पे और आप देख लें इसके अंदर मैं बताऊं तो कोई भी कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपको इसमें रियर पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा जो इस जगह पर माउंट है। और ये डायनेमिक कैमरा है, नॉर्मल कैमरा नहीं है, कंपनी फिटेड। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके अंदर, आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाती है। और जो ये लाइट आप देख रहे हैं ये बीच में एक कनेक्टर दिया गया है, बट ये ऑन नहीं होती है ये वाली लाइट। इसके अलावा साइड में आप बात करेंगे जो इसकी टेल लैंप है वो क्राउन ज्वेल LED आती है, हाफ LED आती है इसके अंदर। इसके टॉप वेरिएंट में नीचे तक पूरी LED आती है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर आपको कार्नस की बैचिंग मिल जाती है, यहाँ पर किया की बैचिंग मिल जाती है,
नीचे नंबर प्लेट, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है, और इसी के ऊपर आपको नर्लिंग पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो इस साइड इसका एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको नीचे की तरफ अगर दिख रहा होगा तो इस जगह पर आपको स्टेपनी देखने को मिल जाएगी। और एक बार हम आपको इसका बूट स्पेस दिखा देते हैं। तो गाइज ये है इसका रियर बूट स्पेस जो कि 216 लीटर का है। अगर आप इसकी ये वाली सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो ये करीब करीब 600 लीटर का बन जाता है ऑलमोस्ट। और इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टूल किट वगैरह देखने को मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर वगैरह, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अपना कोई सामान भी रख सकते हैं इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाइट्स भी मिल जाती है रियर बूट स्पेस के अंदर पे, और यहाँ पर आपको कोई भी अगर छोटा मोटा सामान हैंग करना हो तो यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है। और आप एक चीज देखें जो ऑल ओवर पीछे से लुक आ रहा है गाड़ी का तो काफी स्पेशियस यहाँ पर लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सीट बेल्ट भी आपको देखने को मिल जाती है रियर पैसेंजर की फैसिलिटीज के लिए। और ये बीच वाली सीट जो इसकी कन्वर्टेबल है, ये गाड़ी 6+7 भी बन सकती है अगर आप ये हैंड रेस्ट को ऊपर की तरफ कर देंगे। तो आपको पहले इसकी रियर सीट्स दिखा देते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह की है इसकी रियर डोर ट्रिम, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ड्यूल टोन फिनिश के अंदर देखने को मिल जाएगी, बेज प्लस ब्लैक इंटीरियर। और यहाँ पर आप देखेंगे जो डोर हैंडल है वो आपको सिल्वर फिनिश में ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाता है। और इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर बोतल होल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके अंदर आप अच्छी खासी 1 लीटर की बोतल भी रख सकते हैं आराम से। और यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा इस जगह पर, और ये हैंड रेस्ट के लिए वाली जगह दी गई है। और नीचे की तरफ आपको स्पीकर की फिटिंग देखने को मिल जाएगी, इसके अंदर 6 स्पीकर आते हैं, 2 ट्विटर 4 स्पीकर। और ये है इसकी रियर सीट जो कि टम्बल डाउन के साथ आती है, जिसका बटन यहाँ पर आपको दिया गया है रियर, अगर आपको इसकी बैक सीट्स पर जाना उसके लिए। बट पहले हम आपको ये वाली सीट दिखा देते हैं। ये आप देखेंगे तो इसकी कन्वर्टेबल सीट है, आप इसको 2+1 भी कर सकते हैं या फिर 2 भी रख सकते हैं। ये आर्म रेस्ट को आप ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये 3 सीटर बन गई है, बीच वाली सीट, मिडल रो वाली। और इसको डाउन कर देंगे तो ये आपकी 2 सीटर बन जाती है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। जो आप देखेंगे जो इसकी रियर सीट, ये मिडल रो सीट है, ये एडजस्टेबल सीट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। आप देखेंगे जो इसकी इंक्लिनेशन एंगल है वो भी हम सेट कर सकते हैं, इस जगह पर दिया गया है इसको सेट करने के लिए, और इसको आगे पीछे करने के लिए सेम इस जगह पर दिया गया है। और आप देखेंगे ये इंडिविजुअली एडजस्टेबल सीट्स है, ये वाली भी और ये वाली भी। और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और अगर यहाँ पर बंदे आपके पास ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसे ऊपर की तरफ करके तो मिडल में भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं जो यहाँ का कंफर्ट है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, बट मैं कहना चाहूँगा ये बेसिकली 2 सीटर ही है, मिड रो जो है काफ़ी अच्छा रहेगा अगर 2 बंदे ही बैठे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एसी कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे रियर पैसेंजर के लिए, और इसके अंदर रूफ एसी वेंट्स देखने को मिलती हैं कुछ इस तरह की। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 सी टाइप पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर कुछ सामान रखने की जगह आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको रियर पैसेंजर सीट बेल्ट देखने को मिल जाएंगी कुछ इस तरह की, जो भी यहाँ से आती है निकल के। और आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग मैं रीडिंग लैंप दे रखे हैं आपको, मिड पैसेंजर के लिए इस जगह पर है, और रियर पैसेंजर के लिए इस जगह पर है, और फ्रंट वालों के लिए आगे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और हम चलते हैं इसकी रियर सीट्स पर, जिसका काफ़ी कंपैरिजन हो रहा है इस सेगमेंट में आने वाली गाड़ियों से, लाइक एल्काज़ार से, इनोवा क्रिस्टा से, या फिर मैं कहूँ आप फॉर्चूनर से भी कंपेयर कर सकते हैं बस सिटिंग में। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 1 टच टम्बल डाउन ये सीट्स दी गई हैं कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ से आसानी से रियर सीट्स पर जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमारा ही सामान रखा है तो इसे आगे रख देते हैं। तो गाइस ये है इसकी रियर सीट्स। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लेग स्पेस की मैं बात करूँ तो लेग रूम की जो मैं बात करूँ तो आप देखेंगे काफी लेग रूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा,
किसी भी तरह की मेरी अच्छी खासी हेल्थ है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की बैठने की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आप आराम से पीछे दो बंदे यहाँ बैठा सकते हैं, और चिल्ड्रंस की मैं बात करूँ तो तीन भी आ सकते हैं। इसके अलावा रियर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं रियर पैसेंजर के लिए, जो काफी अच्छी चीज है। ये कोई कोई बंदा ध्यान देता है इस चीज पर। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है रियर पैसेंजर के लिए, और इस जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोतल होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, ये फोन के लिए स्पेस, और यहाँ पर यूएसबी पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, सी टाइप चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिविजुअली रियर आपको एसी वेंट्स देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं, और ऊपर की तरफ रीडिंग लैंप्स, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पर किसी भी तरह की सफोकेशन फील नहीं होती है। जो इसके क्वार्टर पैनल का डिजाइन है, क्वार्टर पैनल पे जो ग्लास का डिजाइन है वो काफी अच्छी जगह दिया गया है, इससे आपको बिल्कुल भी सफोकेशन फील नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। और ऑल ओवर मैं बात करूं तो रियर सीटिंग काफी कंफर्टेबल है, जितनी आपकी मिड रो वाली सीट थी उतनी ही कंफर्टेबल ये वाली सीट है। जब आप बैठेंगे तभी आपको ये रियलाइज होगा। और जो बंदे अल्टीगा देखने जा रहे हैं या अल्काज़ार देखने जा रहे हैं वो एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसका सीट का फोल्ड होने का मैकेनिज्म है वो एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टड देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये फोल्ड हो पाती है, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है, जिसकी वायरिंग कुछ इस तरीके से यहाँ से जा रही है। और अब हम चलेंगे इसकी वो फ्रंट सीट्स पर, और वहाँ पर सारे ही फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो दिखाते हैं। तो गाइज ये इसकी की है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉक अनलॉक के स्विच आपको देखने मिल जाएंगे। इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपकी बूट ओपन हो जाती है, और ये आपको फ्लिप की मिल जाती है इस तरह की। यहाँ से आप की के द्वारा भी आपको इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रंट डोर को। इसके अलावा इससे अनलॉक हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये है इसकी फ्रंट सीट। और इसके अलावा पहले बात करेंगे हम इसकी फ्रंट डोर ट्रिम की, तो फ्रंट डोर ट्रिम रियर की तरह ही है। यहाँ पर आपको ORVM कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, और इस जगह पर आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको कुछ ऊपर की तरफ सिल्वर फिनिश में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डोर हैंडल, डोर ओपनर। और इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोतल होल्डर स्पेस देखने को मिल जाएगा, और इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा। और सेम पीछे की तरह ही ये दो शेड के अंदर आती है, बेज प्लस ब्लैक। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप देखेंगे तो जो इसकी सीट्स हैं वो हाइट एडजस्टेबल सीट्स दी गई हैं कुछ इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, मैनुअली एडजस्टेबल है, ठीक है। और अब हम चलेंगे इसके इंटीरियर में, तो उससे पहले मैं बता दूँ, तो गाइज अब हम आ गए इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में बात करूँ तो यहाँ पर आपको डी कट आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर आ रहा है, जो आपकी बलिनो या ग्लैंजा जो भी है उसके अंदर भी आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको हॉर्न, यहाँ पर बीच में इसमें किया की बैचिंग, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये फोर स्पोक स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर सिल्वर फिनिश दिया गया है। और इसी के अलावा जो इसका आप डैशबोर्ड देखेंगे उसका ऑलमोस्ट एक कनेक्ट बन रहा है। जब आप इसके डोर बंद कर लेते हैं उसके बाद आपको डोर्स का और डैशबोर्ड में कोई भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा, ऑलमोस्ट एक कनेक्ट बनता हुआ नजर आएगा अपने तरफ, चारों तरफ आपको एक सेमी सर्कल सा बनता नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पर स्पेस दिया गया है कुछ आपके कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। और ऑल ओवर आप एसी वेंट्स देखेंगे तो कुछ इस डिजाइन में दी गई है, जिससे लगता है कोई आपका डैशबोर्ड का डिजाइन है, बट इसके अंदर एसी वेंट्स भी यहाँ पर आपको दी गई है। सेम इसी तरह की एसी वेंट्स मिड में दी गई है, और उस साइड भी ऐसी दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप इसकी लाइट्स एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसका सेंटर कंसोल देखेंगे तो उसके अंदर आपको 8 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और यहाँ पर आपको सारे मीडिया कंट्रोल्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो इसमें ऑटो एसी नहीं दिया गया, इसके अंदर मैनुअल एसी आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे हैजार्ड स्विच यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब नीचे की तरफ आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, और यहाँ पर एक USB पोर्ट दिया गया है, और इस C टाइप यहाँ पर आपको पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स का बटन देखने को मिल जाएगा रियर वालों का। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हिल असिस्ट का बटन आपको इस जगह पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैनुअली गियर लीवर देखने को मिल जाएगा,
जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस जगह पर आपको हैंड ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट देखने को मिल जाएगा जो एडजस्टेबल है। और इसके अलावा इसमें नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कुछ स्पेस भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका ग्लव बॉक्स आपको इस जगह पर देखने को मिल जाता है जिसमें ठीक ठाक स्पेस दिया गया, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। और जो ऑल ओवर आप इसका डैशबोर्ड देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको तीन कलर की फिनिश देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ सिल्वर लाइनिंग ऐड की गई है। इसके अलावा नीचे आपको बेज इंटीरियर, ऊपर की तरफ ब्लैक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ लेदर फिनिश देने के लिए यहाँ पर स्टिचेस का डिजाइन दिया गया है इस जगह पर। तो गाइज ये है इसकी सेंटर कंसोल की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जाके सारा मेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ड्राइव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप इससे अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारी चीज़ के अंदर आती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे रेडियो वगैरह इस जगह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इससे वाईफाई से कनेक्ट भी कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा मैं बात करूं इसके अंदर सारे ही फंक्शन इस डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस जगह से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी मैं कहूं तो थोड़ी जो इसकी डिस्प्ले है वो काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर लग रही है आपको देखने के लिए। और एक सटल डिस्प्ले है काफ़ी, जो डैशबोर्ड से जो आजकल चल रहा है पॉपअप डिस्प्ले जिसे कहते हैं, बाहर की तरफ निकली रहती है, उस तरह की यहाँ पर इसकी डिस्प्ले नहीं दी गई है। और यहाँ पर रियर कैमरे की आपको देखने को मिल जाएगी इस जगह पर, कीप रियर कैमरा ऑन बट इसके अंदर क्या है, जिस टाइम पे आप इसको रियर गियर में लगाएंगे उसी टाइम पे इसका कैमरा ऑन होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डायनेमिक कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे रियर कैमरे के अंदर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। और अब हम एक बार चलते हैं, इससे पहले मैं एक बात बता दूं जो इसमें एक काफी अच्छी चीज है, आप देखेंगे जो इसके वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं वो आपको डिस्प्ले के अंदर ना देखें बाहर की तरफ दे रखे हैं मैनुअली, जो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जब आप ड्राइव करते हैं उस टाइम पर। अब हम चलते हैं और एक बार अब दिखाते हैं इसका इंजन कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें यहाँ पर एक चीज़ जो मिस हो गई थी मेरे से, वॉइस कमांड फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा इस जगह पर दिया गया है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका बोनट ओपनर देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये है इसका 1.5 सीसी सीआरडीआई डीजल इंजन। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अभी तक काफ़ी अच्छी बताई जा रही है जो कस्टमर्स वगैरह के रिव्यू हैं। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी इंसुलेशन ऊपर की तरफ की गई है। और नीचे की तरफ भी आप जब इसका बोनट देखें, वो जो इसका बोनट है उसके अंदर इंजन कंपार्टमेंट को आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी फिटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। किसी भी तरह की आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कोई भी एक्सटर्नल गैप छोड़ा गया है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको इंजन प्लेट भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसके अंदर ABS वगैरह सारे ही फीचर आते हैं। डीजल इसका इंजन है और जो कि 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज को क्लेम कर रहा है, अभी कस्टमर कर रहा है ये चीज़, ठीक है। और ये सिर्फ सिटी के अंदर है, अभी उन्होंने हाईवे के अंदर हाईवे पर ड्राइव नहीं करा है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। और बाद में हम इसका हो सके तो ओनरशिप रिव्यू भी आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और इससे पहले जो हमारी इस वीडियो को देख चुके हैं, जब आप यहाँ पर आई गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी किसी और इन्फॉर्मेशन को जानना है या फिर हमारे से कनेक्ट करना है अपने ओनरशिप रिव्यू के लिए या अपनी गाड़ी के रिव्यू के लिए किसी भी तरीके से, तो आप हमारे इंस्टा हैंडल वगैरह पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। बाय।